दोस्तों ये देखिए टमाटर की पौध है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। ये देखिए ये मिर्ची की पौध है जो कि अक्सर हम अपने घर में जरूर उगाते हैं और इसमें भी देखिए बहुत सारे देखिए कीड़े लगे हुए हैं और चींटियां भी हैं। और ये देखिए दोस्तों ये बैंगन की पौध है और बैंगन ने फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया है और आपको मैं दिखाऊं देखिए छोटे छोटे से कितने सारे इसमें देखिए छोटे छोटे से कीड़े हैं महीन महीन तरह के। और यहाँ पे देखिए पत्ता पूरा खराब कर दिया। इन्हीं सबसे बचाव के लिए मैं आपके लिए एक घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। दोस्तों ये पत्ता तो बिल्कुल ही खराब हो गया है तो इसे हम यहाँ पर से तोड़कर इसे हम यहाँ से तोड़ के बिल्कुल ही दूर हटा देंगे। दोस्तों ये देखिए ये है वुड एश। दोस्तों ये लकड़ी की राख है और आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे लोग इसका यूज अपने पौधों में करते हैं, सब्जियों में करते हैं, जैसे कि सेम के पौधों में। वो किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से इसे लेकर और ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा पत्तों पर छिड़काव कर देते हैं और पूरे पौधे पर इस तरह से इसका छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों वुड एश में पोटेशियम कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं फास्फोरस मैग्नीशियम और सल्फर के, लेकिन ये एक पेस्टिसाइड का काम बहुत ही अच्छा करता है तो हम अपने सभी पौधों पर इसे छिड़क देंगे इस तरह से। हम कीड़ों को परमानेंट ना भगा सके पर इस तरह से हम अपने पौधों का जो घर में लगे हुए हैं इस तरह से ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से बचाव कर सकते हैं। पेस्टिसाइड के तौर पे हमने जो वुड एश का यूज किया रहा था उससे देखिए बैंगन का जो पौधा है बैंगन बहुत अच्छे से आ रहे हैं। देखिए ये कुछ दिन के बाद का रिजल्ट है। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स।